बोल जय साचे माता दरबार की जी, जय, माता बगरा दी जल जय, मैया माता की दी जय। बोल सच्चे प्रेम से दरबार बोलो, की जय जय। माता जय दी। श्री, गुड आफ्टरनून दोस्तों, जय श्री श्याम। आज सुबह तो गुड मॉर्निंग नहीं हो भाई आप लोगों से, क्योंकि सुबह बहुत काम था, इस वजह से थोड़ा लेट ही हो पाया। तो अभी रेडी हुए हैं और घर जैसे ही आए तो एक काम और निकल आया, क्योंकि कूलर भी रखा, उसको भी खोलना है, क्योंकि अब ठंडी भी ज़्यादा होने लगी। इस वजह से अभी थोड़ा भूरे की दुकान पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ से उसको लेके आएंगे, उसको वो खुलवा लें, फिर रख दें उसको, क्योंकि ठंडी चालू हो गई तो अब उसका कुछ मतलब ही नहीं है। बाहर तो बहुत कड़क धूप है यार, चलो काम है वो तो कर लें, पहले धूप है तो क्या करें। आ गए थे भूरे की दुकान पे और चाबी नहीं मिल रही है। अभी चाबी देख रहे हैं, अभी एक दो चाबी मिली हैं, इससे देखते हैं काम चल जाएगा कि नहीं। आ गए थे कुछ पार्ट्स लेके, क्योंकि भूरे तो आ नहीं पाया, क्योंकि उसकी दुकान पे कोई था नहीं, इस वजह से मैं ही लेके आ गया। कल्लू, चलो, कल्लू भी मेरे साथ है, यही मोहल्ले का है, यहीं पे रहता है। आप देख सकते हैं कि पूरा जंग ही जंग आ गया इसमें, इस वजह से ना खुल नहीं रहा वो। लेकिन अभी थोड़ा स्प्रे कर दिया, इससे स्प्रे कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। इससे क्या है ना, जंग जल्दी निकल जाता और बोल्ट वगैरह भी जल्दी खुल जाते, क्योंकि मेरे पास पार्ट्स नहीं थे तो भूरे से लेके आ गया मैं। अब खोलते हैं, करते हैं ट्राई, खुलेगा कि नहीं। देख सकते हो आप कि इसको मैंने अभी खोलने की कोशिश की, लेकिन टूट गया, खुला भी नहीं। और ऐसे ही इसी की हालत है, ये भी टूट जाएगा साला, बहुत परेशान कर दिया इसने। अब ये स्प्रे भी किया था, फिर भी नहीं खुल रहा उससे। मुझे लगा इससे खुल जाएगा जंग वगैरह का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शाम को इसी के लेके आऊँगा, तब तक ये पार्ट तो दे दूँ उसके भूरे के मैं। अब जा रहे हैं मार्केट, अजय का कॉल आया था तो उसके पास जा रहे हैं अभी। आ गए थे मार्केट और अजय भाई की दुकान पे, वो खुशी से बात कर रहे हैं। क्यों भाई, आज का क्या सीन है आज? चलेंगे भाई कहीं पे, देखते हैं अपन। चलो ठीक है, अजय भाई ने बोल दिया है तो अभी उनके डैड आ जाएं दुकान पे, उसके बाद हम उसको ले जाएंगे और चलेंगे कहीं नई जगह पे। आ गए हम एक न्यू लोकेशन पे और देख सकते हो भाई कितनी बड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर। ये देख सकते कितना ऑफ रोडिंग है, लेकिन गाड़ी जाएगी वहाँ पे अपनी ऊपर, क्योंकि पैदल तो पॉसिबल ही नहीं यहाँ चलना, क्योंकि बहुत ही रफ रास्ता है। ओ भाई कितनी रफ रास्ता है भाई, आराम से चलना भाई, मेरे गिरा मत दियो कहीं पे। देख सकते हैं आप लोग कितना रफ रास्ता है, और यहाँ भी बना भी हुआ है अभी, बहुत ही ज्यादा टफ। आ गए हम लोग फाइनली अपनी लोकेशन पे और ये अपने महाराज बैठे हैं। महाराज जय श्री राम। आ गए फाइनली हम लोग बगराजन माँ, जो कि महाराजपुर में है। अभी इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था हमने, वो था मलेरा की बगराजन का, जो हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है, और ये घर के मेरे पास ही है। और बहुत प्यारे यहाँ पे व्यू हैं और बहुत ही अच्छी सुंदरता है, और मंदिर भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। चल के आपको अंदर वहाँ उनके दर्शन कराएंगे। और एक बात और, मेरे घर के जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो ना इस साइड से, ये मेरे घर से पास ही है, तो मतलब थोड़ी दूर है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस करें तो हद से 2 मिनट का। ये पैदल का है, जो अभी ऑफ रोडिंग हम लोग करके आए ना यहाँ से, वो मेरी गाड़ी किधर गई भाई, ये है वो मेरी गाड़ी खड़ी है, यहाँ से हम लोग ऑफ रोडिंग आए। ऑफ रोडिंग से ना हम लोग सीधा ऊपर आ गए, मतलब पैदल नहीं आना पड़ा, और अब जाके माँ के दर्शन करेंगे। जय श्री राम। आ गए हम महामाई के मुख्य गेट पे, और मेन गेट भी है महामाई का, यहीं अंदर महामाई विराजमान है। देख सकते हैं आप लोग सामने महामाई विराजमान है। जय भगतजन माँ, जय शिव शंभू महाकाल सरकारी विराजमान है। ये अपने पंडित जी हैं, जय माता दी पंडित जी। अब जाएंगे हम यहाँ से ऊपर, ऊपर भी शिव शंभू विराजमान है, और भी माताएं मतलब देवता लोग हैं यहाँ से, मतलब 40-50 सीढ़ियाँ हैं। सामने आप देख रहे हैं बॉस हैं, बजरंग बली बॉस, जय बजरंग बली, जय बालाजी सरकार, उनके भी पावन दर्शन कर लें, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर लें, सब लोग दर्शन कीजिए, और महाबली सरकार का जयकारा लगाइए। जय जय श्री राम। यहाँ ही पंडित जी पूजा कर रहे हैं, वहाँ से इधर आ गए थे हम लोगों के साथ ही मैं पंडित जी, और यहाँ की पूजा वगैरह भी करते हैं।
और आप देख सकते हैं यहाँ से कितना प्यारा नज़ारा लगता है, मतलब सुकून और बहुत ही इतना प्यारा लगता है कि मतलब मैं नहीं बोल सकता उस बर्ड को, इतना प्यार है यहाँ से। मतलब एक फेवरेट प्लेस में से एक ये भी प्लेस मेरा ही है, मतलब जो मैं यहाँ पे मतलब कभी भी अपसेट होता हूँ तो माँ के पास आता हूँ, इधर ही बैठता हूँ। फिर हम लोग जा रहे हैं पंडित जी के साथ में ऊपर। हाँ पंडित जी, जो ऊपर जो मंदिर है वो काय का मंदिर है? ऊपर है शंकर जी का मंदिर। अच्छा, शंकर जी पर विराजमान है के मतलब और भी कोई मंदिर है? शंकर जी, गणेश जी, पार्वती माता, अच्छा नंदी महाराज। अच्छा चलो ठीक है सर, ठीक ठीक। बाकी गाइस ऊपर चलते हैं, फिर आपको वहाँ भी दर्शन कराते हैं, पंडित जी वहाँ पूजा भी करेंगे और जो भी करेंगे सब दिखाएंगे आपको। जय माता दी। देवता का हाउस जी, आ गए हम लोग फाइनली मंदिर, और पंडित जी भी अभी पूजा ही कर रहे हैं, पूजा कम्प्लीट ही कर ली उनने, गेट ही बंद कर रहे हैं अभी। पहले आपको दर्शन करा दें हम भोलेनाथ के। पंडित जी सबको दर्शन कर लीजिए पहले थोड़ा। देख सकते हैं आप लोग शिव शंभु विराजमान है, नंदी बाबा, और इन माता का नाम क्या है पंडित जी? पार्वती माता है जी। वो पीछे है जो? हाँ पीछे है पार्वती माता, सामने नटराज, बीच में महादेव, बगल में नंदी बाबा। ठीक 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 है राज, देख लिया आपने, दर्शन भी कर लिए। चलो परिक्रमा भी लगवा दें आपको और दिखा दें साइड, कितना प्यारा 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 व्यू दिख रहा है। यहाँ आने से ना जो सुकून मिलता है ना, चाहे शिव शंभु हो या माता पार्वती हो या मतलब जो भी देवता हो, जहाँ भी जाओ जिस स्थान पे, बहुत ही प्यारा लगता है वहाँ पे। देख सकते हैं आप लोग कितनी ऑफ रोडिंग है, मतलब कंकड़ इतने नुकीले हैं ना, और महाराज जी हम लोगों के नीचे लेके चल रहे हैं महाराज। चलो महाराज जी कहाँ पे है दोस्तों को हम लोग दिखा दें, बहुत ही रफ रास्ता है वो, माई गॉड। अज्जू भी देख रहा है, उसको तो बहुत पत्थर छुप रहा है। क्यों भाई आराम से आना, गिर मत जाना। पंडित जी का तो क्या, रोज आते जाते रहते हैं तो उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। देख सकते हैं आप लोग कितने पेड़ वगैरह भी हैं, और हम लोग बहुत रफ रास्ते से आ रहे हैं, ऑफ रोडिंग में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो लगता है। पंडित जी को गुफा मिल गई है और मुझे तो बहुत ही तकलीफ हो रही है इधर नीचे आने में, लेकिन देखने का एक इंटरेस्टिंग भी है, मतलब लग रहा कब मिल जाए कब मिल जाए। देख सकते हैं आप लोग वहाँ से हम लोग ऑफ रोडिंग करके आए हैं, और देख सकते कितने लुकीले पत्थर हैं, और आ गए हैं फाइनली। हाँ पंडित जी कहाँ है वो गुफा? ये है गुफा। अच्छा एक मिनट, हम आप लोगों को पुराने समय की है गुफा। देख सकते हैं आप लोग गुफा दिखाएंगे हम, ये दिख रही है सामने, ये अंदर से जाती है कम से कम 150 फुट अंदर तक है ये सुरंग बिल्कुल बनी। अच्छा और इसके बारे में क्या क्या है वो भी बता दीजिए। इसके बारे में राजा महाराजाओं की समय की है ये गुफा। अच्छा आज के जमाने में कोई भी इसको नहीं जानता है, बहुत ही सीक्रेट जगह है ये मंदिर की। अच्छा तो मतलब पंडित जी जो लोग हैं, आपके पापा वगैरह हुए, आपके दादाजी जो मतलब पूर्वज तरीका से यहाँ पूजा करते हैं, उन लोगों को भर जानकारी, मुझे भी नहीं थी यहाँ की जानकारी कि यहाँ गुफा है। और कुछ लोग ऐसे होंगे शायद 1-2 सौ में से 1% उनको भर मालूम होगा, बाकी किसी को नहीं है इस जगह का मालूम। अच्छा बाकी बहुत सीक्रेट गुफा है, मतलब बता रहे पंडित जी के हजारों साल पुरानी है, और देखने भी थोड़ी बहुत डेंजर लग रही है, पता नहीं अंदर क्या होगा क्या नहीं। देख सकते हैं आप लोग कितनी तकलीफ में हम लोगों को वीडियो बनानी पड़ती है, बस आपको भी थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल का, क्योंकि पंडित जी भी हमारे चक्कर में कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। देख सकते हैं आप कितने नुकीले पत्थरों पर चढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी परेशान होते हैं। हाँ वो तो है ही, पंडित जी भी हम लोगों की हेल्प करते हैं, हम लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, इसीलिए उनने बोला कि चलो तुम्हारे दोस्तों को और ये गुफा और बता दें। जय माता दी पंडित। जय माता। जो आप लोगों ने अभी जो गुफा दिखाई है, तो जैसे कोई आए तो मतलब वो सबको मिल जाती है ना देखने को? सभी को गुफा देखने की भी मिल जाती है, और हमने बता भी दिया डायरेक्शन कि यहाँ से ऐसा ऐसा जाते हैं, लेकिन बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ हुई है आप लोगों के लिए गाइस। हम लोग मेहनत करते हैं, बस आपको सिर्फ इतना करना है भाई साहब के लिए, आप लोगों के बड़े भैया हैं जो छोटे भैया भी हैं, आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। बस यही पंडित जी बोलना चाहते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम उनके शिष्य हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं, है कि बस उन्हीं की कृपा से, महामाई की कृपा से सब कुछ चलता है। बस आप लोग जहाँ हम आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है ना कुछ करना। निकल आए थे हम लोग मंदिर से, और देख सकते स्टैंड यही भाई की दुकान है, तो मैंने यहीं उसको ड्रॉप कर दिया। लो भाई और जाते हैं, फिर कल मिलते हैं। ठीक है भाई। आ गए थे घर, और आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज का सीन तो कंप्लीट हो गया।
अजय भाई के साथ में। मिलते हैं कल कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और सुनो 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 सुनो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे भाई अपने भाई का सपोर्ट करें और शेयर भी करें, और सबको अपने दोस्तों से बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए इतना तो यार मेहनत करता हूँ मैं, तो थोड़ा तो यार बेनिफिट मिलना चाहिए ना भाई को, उनके भी मेरे भी वीडियो हाईलाइट हो, आप लोग हेल्प करो थोड़ा मेरी। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री श्याम।